नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। हमारे धान कट चुके थे थोड़े और अभी बाकी हैं ज़्यादातर तो, और यहाँ पे हमने बरसम बोने की तैयारी कर दी है। आज बरसम बोने के लिए आए हैं, अपने बोर पर ट्रैक्टर लगा हुआ है। बोर का पानी चल रहा है इसमें और हमने 3 क्यारी बनाई हैं, बस बड़ी बड़ी क्यारी हैं, देख सकते हो आप। ये खेत करीब करीब 2.5 बीघे से ऊपर है शायद, और इसमें सारे में बरसम बोएंगे, बेचने के लिए नहीं अपने घर के लिए बस। आप देख सकते हो कितना खेत है। हमारे पास यही धान कटे हैं और बाकी के खड़े हुए हैं अभी तो। मौसम ख़राब हो गया, उसकी वजह से नहीं कटवाए, और कुछ मंडी बंद रही हमारे यहाँ की 2 दिन, दशहरा और वर्तमलाभ की वजह से, तो उसकी वजह से हमने नहीं कटाए। और 2 दिन मौसम ख़राब हुआ, कल भी पूरे दिन बरसात होती रही हल्की हल्की सी, और ये खेत हमने पहले ही तैयार कर दिया बरसात से पहले ही। आज इसमें बरसम बो देंगे। बरसात से काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों का, जो खड़ी फसल थी वो भी गिर चुकी है। मैं आपको दिखा दूँ, हमारे बगल में धान है और किसी के ये देखिए किस तरह से गिर चुके हैं धान, काफी नुकसान है यहाँ पे। पहले खड़े हुए थे लेकिन अभी कल्लों पर जो बरसात आई थी उसके बिल्कुल लौट गए हैं, धरती से चिपक गए हैं ये। मैंने ट्रैक्टर में दोनों मीटर नए डाल दिए हैं, अभी दोनों चालू हैं मीटर। और ये हमारा बरसम का बीज, जो कि अभी डालेंगे इसमें। पानी को हल्का रखेंगे, हवा बहुत है तेज है आज की, बीज सारा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो इसलिए पानी को थोड़ा कम रखेंगे। और ये 2 मेड़ों पर मूली का बीज लगा दिया है। अब बस इसको बंद करने वाले हैं क्योंकि आगे बहुत पानी है, इस पानी से तो भर ही जाएगा। अगर पानी ज़्यादा रखेंगे तो ये बीज इकट्ठा होकर हवा से एक जगह चले जाएगा एक कोने में, और यहाँ पर नहीं रोकेगा ये, इसलिए बीज को थोड़ी बार डालेंगे जो पानी खेत पी ले उसके बाद। और काफ़ी नरम खेत पड़े हुए हैं बरसात की वजह से,